जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। भीषण गर्मी बढ़ने के साथ ही बीमारियां भी तेजी से पैर पसारने लगी हैं। जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। जिला अस्पताल में इन दिनों पेट दर्द, डायरिया, उल्टी की शिकायत वाले मरीज सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि एक एक बेड और बेंच पर दो दो मरीजों को भर्ती कर इलाज करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर रोज 3000 से 3500 तक मरीज आ रहे हैं, जबकि 80 से 100 मरीजों को प्रतिदिन इमरजेंसी में भर्ती किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मानसून न आने तक स्थितियां इसी तरह बनी रहेंगी। डायरिया की चपेट में बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग और महिलाएं भी आ रही हैं। ऐसा तेज धूप के समय बाहर निकलने की वजह से होना माना जा रहा है। जिला चिकित्सालय सीतापुर के CMS डॉक्टर आर के सिंह ने आई इंडिया के माध्यम से सुझाव दिया कि खासकर बच्चों को दोपहर के समय लेकर बाहर न निकले। अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो बच्चे को ठीक तरह से कपड़ों से ढके रखें और प्यास न लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पिलाते रहें। अगर बच्चों को जल्दी जल्दी उल्टियाँ हों और दस्त आए तो तत्काल जिला अस्पताल लेकर आए। गर्मी में बढ़ रही मरीजों की संख्या और जिले में डेंगू, जेई जैसे बुखार से निपटने की तैयारियों पर CMS डॉक्टर आर के सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, गर्मी इधर पिछले 15 दिन से काफ़ी है ये, और गर्मी के चलते जिला चिकित्सालय सीतापुर में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और OPD में भी काफ़ी संख्या बढ़ गई, और काफ़ी संख्या में मरीज हमारे इमरजेंसी में आ रहे हैं जिनको मुझे भर्ती करना पड़ रहा है। ज़्यादातर मरीज हमारे उसमें गर्मी के चलते जो हमारी बीमारी होती है, जैसे आपकी उल्टी हो रही, उनको अपना उनको डायरिया हो रहा, गैस्ट्राइटिस हो रही है, इस तरह के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। उनको हम लोग तत्काल इमरजेंसी में भर्ती करके उनको बॉडी फ्लूड चढ़ाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह के मरीज़ बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं और तत्काल हमको 2-3 दिन के अंदर उनका टेस्ट करा के हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। और सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि आजकल बच्चे बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे बिल्कुल डिहाइड्रेशन में आ रहे हैं, उल्टी हो रही है उनको, उनको अपना और उनको डायरिया भी हो रहा है। ये और बच्चों में डायरिया बहुत ही जल्दी सीरियस हो जाता है, और मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को तो आजकल गर्मी में दोपहर में लेके बिल्कुल न चलें, और बहुत ही जाना आवश्यक हो तो बच्चों को शरीर को अच्छी तरह से कपड़े से ढक कर ले जाना चाहिए। बीच बीच में प्यास न लगने पर भी पानी उनको पिलाते रहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो। अगर बच्चे को आपके 2-3 बार से ज़्यादा अगर दस्त हो रही, उल्टी हो रही, तत्काल उसको जिला अस्पताल में लेके आएँ, जैसे उनको बच्चों को हम लोग एडमिट करके उनको फ्रूट चढ़ाएँ, और ताकि उनको शरीर को हम लोग हाइड्रेट कर सकें, उनको डिहाइड्रेशन होने से बचा सकें। और इस समय हमारे संख्या में बच्चे इतने ज़्यादा हो गए कि कई पलंग पर हम लोग 2-2 बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। और जैसे बच्चे ठीक होते हैं हम लोग उनको तुरंत डिस्चार्ज करते हैं, और लेकिन ये अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और जब तक मानसून नहीं आता है तब तक इस तरह के मरीज हमारे आते रहेंगे, हम लोग इलाज के लिए तैयार हैं। क्या संख्या है OPD में हमारे टोटल मरीज हमारे आजकल 3 से लेकर 3500 आजकल प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें नए पुराने दोनों मरीज हैं, और करीब 80 से लेकर 100 मरीजों को प्रतिदिन हमारे इमरजेंसी में डेली एडमिट किया जा रहा है, और जिसमें हमारे कुछ एक्सीडेंट के भी मरीज होते हैं, बाकी हमारे कुछ हार्ट के मरीज होते हैं, और ज़्यादातर मरीज हमारे उसमें गर्मी की वजह से होते हैं जो डायरिया की उल्टी वाले होते हैं। बड़े भी काफ़ी संख्या में आते हैं, महिलाएं बहुत हमारे अस्पताल में भर्ती हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। उसमें मैं भी सुबह राउंड लेने गया था तो काफ़ी महिलाएं डायरिया से, उल्टी से हमारी जो एडमिट हैं वार्ड में, और गर्मी की वजह से ये लगता है कि इस तरह की बीमारी आ रही है वो, और हम लोग उनको पूरा इलाज करते हैं। जिला चिकित्सालय सीतापुर में दवाओं की कोई कमी नहीं है, हम लोग हर 15 दिन में दवाइयाँ मंगाते रहते हैं, जो भी दवा कम रहती है उसको अरेंज करने के इंतजाम करते हैं। देखिए, दिमागी बुखार की तरफ से शासन का निर्देश है, हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है, उनके टेस्टिंग की पूरी तैयारी है, और लेकिन अभी इस तरह के बच्चों को ये हमारे प्रकाश में नहीं आए जिनका दिमागी बुखार से दो पीड़ित हों। लेकिन कोई भी बच्चा अगर हाइपर पायरेक्सिया आ रहा है, जिनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ये, या उनको दौरे आ रहे हैं, तो तत्काल उनको जिला अस्पताल लेके आइए, ताकि उनके अंदर हम लोग JEE की टेस्टिंग, मलेरिया की टेस्टिंग, डेंगू की टेस्टिंग, चिकनगुनिया की टेस्टिंग यहाँ पर कर सकें और उनका समुचित इलाज कर सकें। लेकिन अभी तक इस तरह के मरीजों की संख्या बहुत ही कम है, इक्का दुक्का कभी आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।